छोटे बच्चे हो के तूने दो गुनेगारों को पकड़वा दिया, बहुत बढ़िया काम किया। मतलब वाका है जेल में? आज हमारा बदला पूरा हो जाएगा, मरो। जी देखिए देखिए, मेरे बच्चे, मेरा बच्चा बचाइए मुझे। चिंता ना करियो, हम सबको बचा लेंगे। अरे भाई कोई पानी लाओ। बहुत पाप कर लिया आपने, लेकिन ये आपका आखिरी पाप था। काम और माँ आग में जलेंगे तो हम आपको भी यहाँ से नहीं जाने देंगे। सुन, आज एक राक्षस का अंत करके ही हम भगवान जी के पास जाएंगे। आपके पास सिर्फ दो ही रास्ते पूरी ठुकराए, या तो आप इस आग में जल जाइए, इस सामने वाले दरवाजे से बाहर चले जाइए। यहाँ ठंडे वाली आंटी और बाहर सब कड़े, जिससे ये सब सच सामने आ जाएगा कि आप जिंदा हैं। आपको ठंडे वाली आंटी पकड़ कर जेल में डालेंगे। पानी मारो, जल्दी मारो पानी। टंडे वाली आंटी, गिरफ्तार कर लीजिए इनको। नाउ यू आर अंडर अरेस्ट। आ जाओ ठाकुर साहब। बहुत बुरे काम किए आपने। जिन लोगों ने आपके लिए दिन रात मेहनत की है, आपने हमेशा उनके साथ अन्याय किया है, कभी उन्हें उनका हिस्सा नहीं दिया है, खुद अपनी तिजोरियां भरी और इन्हें गरीब रखा, खुद पकवान खाए और इन्हें दो समय की रोटी के लिए तरसाया। आप पूरे बुनकर बस्ती की गुनहगार ठुकराएं, न्याय यही आपको देंगे, यही तय करेंगे आपकी सजा, नहीं तो हम आपको नहीं जाने देंगे। इन लोगों ने आपके लिए जान दी और आपने इनको खून पसीने का मोल भी नहीं दिया। इन लोगों ने आपके 16 सिंगार को आसमान तक पहुंचाया और आपने इनके पैर के नीचे की जमीन भी छीन ली। आपने इन्हें रेशम दिया और बदले में इन्होंने अपनी कला पिरो कर दे दी आपको। इन्होंने आपको भगवान बनाया पर आपने तो इन्हें इंसान भी नहीं समझा। इन्होंने हमेशा सिर्फ दिया पर आपने इनसे हमेशा लिया, पर अब जो लिया है उसका हिसाब किताब होगा। इनको दिए हुए हर दर्द की कीमत चुकाने का समय आ गया है। क्या हुआ वंश भैया? सॉरी डोरी, वो क्या है ना, दादी ने हमसे झूठ बोला कि तुम सब बुरे हो,
और हमने उनकी बात मान ली और अनजाने में हमने उनके हेल्प कर दी। कोई बात नहीं वंश भैया, आपको आपकी गलती समझ आ गई ना, इतना काफी है। अब वैसे भी सब ठीक है, हम सब खुश है, जैसे बिग हैप्पी फैमिली। हाँ, बिग हैप्पी फैमिली। चलिए चलिए, टाइम मत खराब कीजिए, माँ बाबा की हल्दी के लिए डांस की प्रैक्टिस भी करनी है, वरना मैं आपको हरा दूंगी और बाद में रोनू की तरह रोना नहीं। हम नहीं रोते, तुम छोटी हो, बेमानी करती हो। मैं बेमान नहीं हूँ, आपकी आदत है, आप जब हारने लगते हो तब अड़ंगी डालते हो। देखो हम कैसे पहले की तरह लड़ रहे हैं। हाँ, पर इस लड़ाई में प्यार है, गुस्सा नहीं। अरे भाई सब हो गया, दूल्हा दुल्हन कहाँ रह गए? गंगा, ए गंगा, चलिए सब बुला रहे हैं। क्या हुआ? ये साड़ी का ये पिन नहीं लग रहा है। आप कहे तो मदद कर दूं? बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं गंगा जी, हमारा ये कदम सही तो है ना? मैं नहीं चाहती कि लोग हमारे रिश्ते पर उंगली उठाए। लोगों के बारे में इतना क्या सोचना, लोग तो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, उनका तो काम है बातें करना। हमें ये सोचना है कि हमारे इस कदम से डोरी कितनी खुश है और हम दोनों डोरी की खुशी ही चाहते हैं, तो उसके लिए एक कदम तो क्या 100 कदम उठाने पड़े तो उठाएंगे। हाँ, पर पता नहीं क्यों दिल बहुत घबरा रहा है। घबराइए मत, हमारे सारे दुश्मन जा चुके हैं, अब कुछ बुरा नहीं हुआ, अब मैं और डोरी आपके साथ हैं और हमेशा आपके साथ रहेंगे और आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। और मैं और डोरी कभी भी आपकी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहते। बहुत रो लिया आपने, बस अब आपको हंसना है, खुश रहना है। नाटक मत कर, ना देखने जैसा कुछ था ही नहीं। यहां मुड़। सब लोग बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। बहुत सुंदर लग रहे हैं आप दोनों, दुनिया की सबसे अच्छी जोड़ी। और इस जोड़ी को किसी की नजर ना लगे। अब हमारी जिंदगी में कुछ बुरा ना हो, हम हमेशा गाते रहे, मुस्कुराते रहे और हर खुशियां मनाते रहे। ऐसा ही होगा। चलिए